दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एनालाइज करेंगे वैभव ग्लोबल। आप देखेंगे आज यह कंपनी 4% नीचे जाकर क्लोज हुआ है। एक बड़ी तेजी के बाद इस कंपनी में अब गिरावट फिर से स्टार्ट हो चुका है। तो गिरावट के पीछे के रीजन की हम बात करेंगे और साथ के साथ यह कंपनी कहां पर सपोर्ट लेकर अगेन बाउंस बैक करेगा वो भी हम आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, कोई भी पार्ट मिस ना करें। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सबसे पहले वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। तो देखते हैं इस कंपनी के डिटेल को। आप देखेंगे कंपनी में काफ़ी बड़ी तेजी आपको देखने को मिला, ऊपर जाकर इस कंपनी में प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिल रहा है और कोई भी शेयर एक लिमिट तक ही भागता है। दोस्तों आप देखेंगे कंपनी ने इस लेवल पे अपना रेजिस्टेंस फेस किया और उसके बाद ही इस कंपनी में आपको गिरावट देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में इस गिरावट के पीछे के रीजन की बात करें तो कुछ लोगों ने अपने प्रॉफिट को सेव करना समझा है और जो लोग इस कंपनी में पिछले काफ़ी टाइम से, आप देखेंगे इस जो ड्यूरेशन में जो लोग इस कंपनी में फंस चुके थे, जो लोग इरिटेट हो चुके थे, उन्होंने अपने कैपिटल को निकालना सही समझा है और वो लोग अपने कैपिटल को निकाल कर बाहर निकल गए हैं और इसीलिए आपको इसमें इतनी बड़ी गिरावट देख को मिल रहा है। यानी सेलिंग प्रेशर होने के कारण इस कंपनी में गिरावट आपको देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में जिन लोगों ने लॉन्ग टर्म के लिए बाय किया है बिल्कुल भी पैनिक ना करें, क्योंकि कंपनी का फंडामेंटल स्ट्रांग है, कंपनी का बिजनेस स्ट्रांग है, तो बिल्कुल इस कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए आप होल्ड करके चल सकते हैं। जिन लोगों ने शॉर्ट टर्म के लिए बाय किया है वो चाहे तो स्टॉप लॉस लगाकर निकलने की तैयारी कर लें, क्योंकि इस कंपनी में अभी आपको और गिरावट देखने को मिलेगा शॉर्ट टर्म में। अगर स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस आपको लगाना चाहिए 360 रुपये पे और इस कंपनी को आगे के लिए कंटिन्यू करना चाहिए। दोस्तों कंपनी में अगर गिरावट आती भी है तो शॉर्ट टर्म में ही आपको देखने को मिलेगा, लॉन्ग टर्म में यह कंपनी अगेन रिकवर करके एक बड़ी आपको तेज़ी जरूर दिखा कर जाएगा। तो बिल्कुल इस कंपनी को आप होल्ड करके चल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही।